सीधे बट्टी जी के पास चलता हूँ। बट्टी जी मुझे वह बताइए, आप क्यों नहीं आर्ग्यूमेंट करते कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से कि भाई ले लीजिए इनको, पहले भी पाकिस्तान जाना चाहते थे 1947 से पहले, अब इनकी असली जगह वही है, क्योंकि धर्म के आधार पर एक ही देश बना है इस पूरी दुनिया में, उसका नाम पाकिस्तान है। जी जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि मोदी जी की ज्यादा दोस्ती है इमरान खान के साथ, तो उनकी ज्यादा चलेगी, हमारी कम। सर्जिकल स्ट्राइक और वो भूल गए आप क्या, एयर स्ट्राइक। तो रही प्रेम शुक्ला ने, सुनिए, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक बट्टी जी भूल जाते हैं, मोदी जी की आलोचना के नाम पर कई चीजें भूल जाते हैं आप। सर पेड़ गरा दिए थे, उससे कौन सी बड़ी तरक्की कर दी आप लोगों ने, छोड़िए ना उस चीज को, अगर मुंह खिलाएंगे तो बड़ी दूर तक जाएगी कश्मीरियों को। मैं तो चाहता हूँ आप मुंह खोलिए, बहस इसीलिए हो रही है, आपके पास आप मुंह खोलिए, रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन करिए, तब देश समझ जाएगा कि किन लोगों का समर्थन कर रहे हैं आप। आए मेरी जान सुनिए तो सही, और दीपक मेरी जान सुनिए तो सही, बोलने तो दीजिए, आपकी जान आपके पास है सर, मैं तो एंकर हूँ छोटा सा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी प्रेम शुक्ला ने, ये क्या भाषा हुआ, आप भी हमारी जान, क्या बात है, अब जान बोला आपने, दुश्मन तो बोला नहीं आपको, चलिए बोलिए बोलिए। मैं आपको दीपक भाई ये बता देता हूँ कि जहाँ तक प्रेम शुक्ला का, सुनिए प्रेम शुक्ला जी ने अभी एक भाषण दिया है, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ अभी ख़त्म किया, पता भी नहीं चला इसके बारे में, शायद आपको भी इसके बारे में इतनी समझ नहीं आई होगी कि क्या बोलना चाहते थे वो। बट मैं एक चीज़ उनकी समझा ज़रूर हूँ कि उनका कहीं ना कहीं सीधा इस्लाम के ऊपर एक निशाना था। अभी हमारे भाई तासीम पूनावाला ने लीगली आपको बहुत कुछ समझा दिया, बट मैं सिर्फ दो बातें आपको ज़रूर समझा देना चाहता हूँ कि ब्राह्मणवाद जो है ना सर, यहाँ अगर बात करें तो ब्राह्मणवाद भी जो है ना वो भी रिफ्यूजी बन के आया था, ब्राह्मणवाद भी रिफ्यूजी बन के आया था, तो मैं चाहता हूँ पहले ब्राह्मणवाद को यहाँ से बाहर निकाल के, कहाँ से हिस्ट्री पढ़ी आपने भारत की, निवासी असली जो है ना, अरे भारत की हिस्ट्री कहाँ से पढ़ी आपने, बकार बट्टी है वो, गलत है आपको खोज कर रहे हैं, बता दीजिए, मदरसे से इतिहास पढ़कर आए मियां, मदरसे से इतिहास पढ़ाई है सर, हमने किताबें पढ़ी है ना, आपने नाथुरम सर सुनिए ना, अरे एक किताब कोट कर दीजिए ना, प्रेम शुक्ला ने जिसमें लिखा हो कि ब्राह्मण जो है बाहर से आए थे, किताबें पढ़ी है, एक किताब बता दीजिए ना जिसमें लिखा हो भारत से ब्राह्मण बाहर से आए थे सर, आपको एक किताब बता दीजिए, आपकी सारी शक्तियों की चुनौती मर्ची लग गई ना, हमने बोला ना हमने तीर का जरा सा मार दिया, निशाना लग गया, अब दोनों तड़फने क्यों लगे हो सर, दीपक भाई प्रेम शुक्ला को बोलने दीजिए ना, आप रहने दीजिए ना, बीजेपी का प्रवक्ता कैंसर हूँ और अगर आप गलत बोलेंगे तो मैं आपको टोक दूंगा, इसलिए क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, वकार भट्टी जी झूठ के पैर नहीं होते, आपको लगती है सर, ये भारत जो है ना, भारत श्रीनगर से दिल्ली नहीं आएगा, निवासी कौन है ना उसके ऊपर आइए ना, फिर अब दोनों का आप भारत के असली निवासी पे आइए, पहली बात जो है, पहली बात मुझे हिंदुस्तान के आइन में हिंदुस्तान का नाम बता दीजिए, हिंदुस्तान का आइन में नाम ही नहीं है, ये तो आपने लिया, असली नाम तो भारत है, तो भारत के ऊपर चर्चा कीजिए ना, आप मुसलमानों को टारगेट करते हो, कभी रोहिंग्या के नाम पे, कभी बांग्लादेश के नाम पे, कभी पाकिस्तान के नाम पे, तो आप अभी तो जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान बनाना चाहते हो और बना रहे हो, भट्टी जी आप कश्मीरी है ना, भट्टी जी कश्मीरी है ना, भट्टी जी रखिए, कितनी जनरेशन पहले कन्वर्ट हुए थे इस्लाम में, आप ये बता दीजिए, अगर आप वाकई कश्मीरी है तो ये बता दीजिए, कितनी जनरेशन पहले इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे, 3 जनरेशन, 2 जनरेशन, 4 जनरेशन, बता दीजिए आज सर, मैं आप बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन चुप रहिएगा तब बताऊंगा, बताएंगे ना, मान रहे आप हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट हुए हैं, दादा परदादा बंदूक के बल पे है, तलवार के बल पे आप हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट हुए, मान रहे हैं आप, आप सुनिए तो सही, तलवार के बल पे आप मुसलमान कन्वर्ट हुए हिंदू से, मान रहे हैं आप, जानिए सुनिए ना, बिल्कुल मैं एक मिनट सुनिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं आपकी बात पे ही मैं आगे बात बढ़ाना चाहता हूँ कि आप कहते हो तलवार के जोर पे आए हुए, जैसे भी हुए मुझे नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बिल्कुल ठीक हुए, आज मुझे फख्र है और मेरे पूरे खानदान को फख्र है कि प्राउड ऑफ कि मैं मुसलमान हूँ, मैं एक अल्लाह को मानता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह की इबादत करता हूँ, मुझे अपने आप पे फख्र है सर, ठीक है, मुझे फख्र है कि मैं नबी की उम्मत से हूँ, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है कि पराना कौन था, कहां से आए, कहां चले गए, मुझे उस पर जाना ही नहीं है, लेकिन आज के टाइम में मुसलमान हूं और मुझे इस पर फख्र है क्योंकि मैं एक अल्लाह को मानने वाला हूं, एक लास्ट नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान रखने वाला हूं, इसके ऊपर मुझे ईमान है और मैं इंशाल्लाह आखिरी दम तक इसी के नाम पे रोहिंग्या मुसलमानों को चाहते हैं आप, कर जाए तो इस्लाम से बाहर नहीं जाऊंगा, मतलब मजहब के आधार पर आप रोहिंग्या मुसलमानों को चाहते हैं, ये कह रहे हैं ना, मजहब के नाम पर आप रोहिंग्या मुसलमानों को चाहते हैं जनाब दीपक भाई, दीपक नहीं 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 हम उस पर चाहते हैं जहां मजलूम है, जहां उसके साथ ज्यादती हो रही है, वो एक जुल्म का मारा हुआ है,
वहां से उसको निकाला गया, रिफ्यूजी है। अगर आपके साथ कल कोई जुल्म करेगा आप आइए मेरे घर में, मैं दीपक भाई आपको भी पनाह दूंगा, वादा देता हूं आपको भी पनाह दूंगा। लेकिन मुझे कश्मीर में कितनी बार किन घरों में पनाह देके मारा गया है वो मैं बोलना नहीं चाहता। मुझे कश्मीर श्रीनगर में डाउनटाउन में कितने घरों में पनाह देके घेर घेर के मारा गया है मैं बताना नहीं चाहता। वकार भट्टी जी मेरा मुंह मत खुलवाइए अभी।